हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, इसमें एंट्री एंड एग्जिट कहाँ से बनानी है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ट्रेड कैसे जब बनता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बताता हूँ मैं आपको कि ये बनता कैसे। मार्केट में इनिशियली एक अप ट्रेंड का मोमेंटम चल रहा होगा क्योंकि ये बेयरिश रिवर्स सिग्नल का पैटर्न है। तो एक ऑलरेडी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ऑलराइट, अब अप ट्रेंड में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, ब्रेकडाउन देखने को, थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। तो फॉर्मेशन के लिए आपने देखा कि पहले इनिशियल एक अप ट्रेंड है, एक छोटा सा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड इसने अपना जो ये वाला पीक बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, वापस यहाँ पे सेलर का प्रेशर आया, हैवी सेलिंग हुई एंड ये दोबारा नीचे आया। तो जहाँ से बाउंस बैक कर रहा था वो वापस इसी लेवल पर आ गया अब इसको, और यहाँ से वापस बाउंस बैक कर रहा है। एंड अब जब यहाँ से दोबारा स्टॉक ने बाउंस किया, ये यहाँ पर जाके वापस रुक गया ये अपने इस वाले पीक पे। तो इनको हम लाइंस को ड्रॉ कर लेते ताकि आप समझ पाए। ये इसका एक लाइन था एंड दिस इज तो इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ये हो गया आपका नेक लाइन, क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है तो ये नेक लाइन है। नेक लाइन क्यों, आप देखो ये आपका पूरा एक तरीके से राइट शोल्डर है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है एंड दिस इज द हेड, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। तो जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो एक ही नेक लाइन है, इस नेक लाइन में लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो सिमिलरली वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। इस पैटर्न का महत्व यही है कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि बाइंग एग्जॉस्ट हो रही है एंड धीरे धीरे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अप ट्रेंड में ऑलरेडी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, अच्छा वहाँ से आपको बाइंग आई पर वो सस्टेन नहीं किया, सेलिंग एग्रेसिव हुई, वापस उसी लेवल पे जहाँ पे बायर्स बैठे थे, फिर थोड़ी बाइंग आई, लेकिन जो पुराना पीक था जहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी वहाँ से दोबारा सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपकी सेलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पीक। ये आपका फर्स्ट पीक बना, फर्स्ट पीक आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है आपको एक लेफ्ट शोल्डर देने के लिए, क्योंकि अगर सेकेंड पीक इसका हाई होता है तो ये हेड हो जाता है। अब आपको देखना है कि ये क्या सेम जगह से बाउंस कर रहा है, क्या बाउंसिंग लेवल सेम है, तो एक पैटर्न बनता हुआ देख सकता है अगर सेम लेवल है तो। एंड दोबारा जब ये टूट के आता है जहाँ से बाउंस कर रहा है, क्या वो लेवल सेम है, अगर सेम है तो मतलब नेक लाइन बन चुका है, आपके नेक लाइन के स्ट्रक्चर में ये फॉर्म हो रहा है। एंड फिर लास्ट ऑब्जर्व करना ये जो थर्ड पीक है राइट शोल्डर, कि आपका इसी सेम लेंथ में बन रहा है, शोल्डर के शोल्डर लेवल पर बन रहा है, अगर ये फॉर्म हो जाता है, अगर ये फॉर्म हो जाता है तो डैट मीन्स आपका हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न कम्प्लीटली बना है। अब आपको एंट्री एंड एग्जिट में बताऊंगा अच्छे से। आई होप आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न समझ में आए। इसको एक एग्जांपल के तौर पे चार्ट पे भी समझेंगे लाइव मार्केट प्राइसेस पे। तो सो दिस इज हाउ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स में आप लोग एक हेड एंड शोल्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या क्या हमने देखा, एक इनिशियल अप ट्रेंड रहता है, ऑलराइट, एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड एंड देन ए राइट शोल्डर। लेट्स मूव ऑन। इसके सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, बेयरिश रिवर्सल सिग्नल एंड सिमेट्रिकल पैटर्न का मतलब वही जो पैटर्न सिमेट्री में हमें दिख रही है, दैट मीन्स बाइंग एग्जॉस्ट हो रहा है एंड सेलिंग की एग्रेसिवनेस आ रही है मार्केट में, बायर्स नहीं है। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या हो गया, पैटर्न फॉल्स नहीं है, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो, उसको कंफर्म कैसे करोगे, जब मार्केट इस लेवल पे है या इस लेवल पे है, अपने राइट शोल्डर्स जहाँ से फॉर्म हो रही है, जब ये नेक लाइन जहाँ पे राइट शोल्डर का है वहाँ पे अगर वॉल्यूम हाई है, हाई वॉल्यूम इन बेयरिशनेस अगर हाई है, तो डैट मींस इट इज़ कंफर्मिंग कि मार्केट और नीचे गिरेगा। तो एक वॉल्यूम आपका फैक्टर है। यू कैन अप्लाई डिफरेंट प्राइस इंडिकेटर्स एंड टूल्स वॉट एवर यू यूज जनरली फॉर ट्रेडिंग कंफर्मेशन, पर वॉल्यूम एक अच्छा इंडिकेटर है टू फिल्टर इट आउट। इसके बाद एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटजी की बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं दोबारा पूरा का पूरा पैटर्न बना के देता हूँ आपके सामने। मार्केट का इनिशियल अप ट्रेंड,
देन अ डाउनफॉल, वहाँ से वापस अप ट्रेंड, इस वाले पीक को तोड़ के अपना नया पीक बनाता है, फिर एक डाउनफॉल, सेम नेकलाइन पे आएगा एंड अगेन ये अपने फर्स्ट पीक के लेवल तक जाता है एंड यहाँ से हमें नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को वापस मिल जाती है। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ। का नेकलाइन और रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूँ मैं। तो ये आपका नेकलाइन एंड दिस इज आपका शोल्डर्स का लेवल, राइट। अब मैं बताता हूँ स्पेसिफिक एंट्री का जोन क्या हो सकता है, जो रिस्क कवर स्ट्रेटस एंड SL क्या लगा सकते हो। मेरा एंट्री का जोन बनेगा इस लेवल्स पे, इस लेवल पे मेरा बनेगा एंट्री का जोन नेकलाइन से पहले, जब नेकलाइन ब्रेक हो रहा हो और वॉल्यूम मुझे हाई कंफर्मेशन बता रहा है। अब मेरा प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट होगा, मैं हाइट मेजर करूंगा हेड और नेकलाइन तक की। किसकी हाइट मेजर करूंगा, हेड और नेकलाइन तक की। ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है सेम हाइट मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा, ये मेरा टारगेट प्रॉफिट लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट प्रॉफिट लेवल, टारगेट प्रॉफिट लेवल हमें मिल गया है। अब हमें एक SL आइडेंटिफाई करना है। SL जनरली आप छोटा ब्रीथिंग रूम भी दे सकते हो, लेकिन मोस्ट फेवरेबल SL होता है ये जो आपका सेकंड पीक बना है, जो आपका शोल्डर लेवल है, ये आपका SL का लेवल होता है, क्योंकि ये आपको पोटेंशियल अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स रिवर्सल आ गया है एंड ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, ये फॉल्स पैटर्न था, सेलिंग उतनी अग्रेसिव नहीं हो रही ओवरऑल। तो दोस्तों आपको समझ में आया, आपने पूरा पैटर्न बनने का वेट किया, राइट शोल्डर जब नेकलाइन फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है उस तब आप एंट्री ले लो बेयरिशनेस के लिए, ऑलमोस्ट आपको टारगेट प्रॉफिट मिलेगा जो इसकी हाइट है। मैं फॉल का वेट करूँगा यहाँ तक, इसकी हाइट जितनी वो मेरा टारगेट प्रॉफिट है। आप इवेंचुअली प्लान भी कर सकते हो, आप आधी क्वांटिटी कुछ अच्छे सपोर्ट लेवल पे निकाल सकते हो अगर नीचे दिख रहा है एंड आपका कुछ अच्छा रेजिस्टेंस आपका SL लेवल भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी को टारगेट प्रॉफिट रखो, यू कैन लाइक क्वांटिटी वाइज क्वांटिटी यू कैन ट्रेड। तो चलिए एग्जाम्पल पे समझते हैं। अब हमने पूरा चार्ट पे समझा ऑल द कॉन्सेप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू द फॉर्मेशन इज डन, व्हाट्स द SL एंड टारगेट प्रॉफिट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नाउ। सो गाइस यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सुज़लोन एनर्जी का चार्ट खोल लिया है। सुज़लोन एनर्जी के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ दिखा मेरे को, आपको दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट पीक यानी लेफ्ट शोल्डर बताएंगे। सिमिलर लेवल्स पे आप चलते चलो, ये आपका थर्ड पीक है यानी राइट शोल्डर और ये आपका हेड है, राइट, एंड नेकलाइन आपका ये नीचे वाला है। इस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा अभी। अब इनिशियली हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, मार्केट एक इनिशियल अप ट्रेंड में। तो आप देखो सुज़लोन एनर्जी का अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड चले आ रहा है एंड देन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला अच्छा खासा। इस रिट्रेसमेंट को हमने मार्क कर लिया कि यहाँ तक आया, फिर यहाँ से जंप किया है, फिर ये पिक बनाई है इसने, फिर वापस इस नेकलाइन पर आया है एंड फिर यहाँ से उसी सेम जोन पर पिक बनाई है जहाँ पर हमारा ये शोल्डर लेवल बना था, राइट। अब वापस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मेरा ट्रेड का बन रहा है, आई हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर इन दिस जोन। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, मेरा टारगेट प्रॉफिट क्या होगा, इसकी हाइट मेजर कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 40% आ रहा है ये, तो 40% डाउनफॉल मैं देख सकता हूँ विच इज़ अ लॉट। तो ये काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर होगा एंड इसका अगर मैं 50% भी सोचूं कि अगर ट्रेड कंफर्म हो रहा है, ये लाइन ब्रेक हो रहा है वॉल्यूम के साथ, तो ज़रूरी नहीं है 40% तक जाऊं, पहले भी बुक कर सकता हूं अच्छा ट्रेड मिलता है तो। सो इसका जो 40% आ रहा है अराउंड 21 rupees के लेवल पर है, तो 22 मार्क कर लेते हैं, 22 विल बी माई टारगेट प्रॉफिट, करेक्ट। एंड मेरा SL का लेवल जो होता, मैंने क्या बोला था, राइट शोल्डर, जो ये इससे ऊपर अगर ट्रेड जाता है, अगर प्राइस मोमेंटम इसके ऊपर जाता है तो मेरा SL होगा। अब हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं। ये शॉर्ट का पोजीशन बनाया है हमने, शॉर्ट पोजीशन पे ऑलमोस्ट 1.5 से ज़्यादा है, सो रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 1.5, नॉट फेवरेबल इनफ पर नॉट बैड इनफ। 1.5 इज अ ओके टू प्लेस अ ट्रेड। इसमें क्वांटिटीज हम या तो SL थोड़ा टाइट भी रख सकते हैं ब्रीथिंग रूम, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट टारगेट धीरे धीरे बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ गया हो, हाउ टू मेजर द टारगेट प्रॉफिट, हाउ टू सेट SL, नाउ यू कैन डू इट इजिली। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।